नमस्कार। आज हम बनाएंगे मिसल पाव। ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल फूड है। मिसल को स्प्राउटेड मोट से बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी और तीखी होती है। आपको बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं बनाना। ये आधा कप मोट ले ली हमने, इसे मटकी की दाल भी बोलते हैं। इसको पहले हम धो लेंगे, पानी हटा देंगे, एक बार और धो लेते हैं और ये पूरा पानी निकाल देंगे। और अब इसमें पीने का पानी इतना डालेंगे कि ये मोट से कम डबल होना चाहिए। इसे ढककर 10-12 घंटे के लिए रख देंगे और 10 घंटे बाद देखिए ये अच्छे तरह से फूल कर तैयार हो गए। ये साइज में लगभग 3 गुने हो गए हैं। इनका पानी हटा देते हैं, एक बार और धो लेते हैं और इन्हें अंकुरित करने के लिए एक छलनी ले लेंगे और एक हमने ये टावल ले लिए भीगी हुई, और ये मोट के दाने टावल में डाल देते हैं। टावल को लपेट देंगे और इस तरीके से छलनी में ही रख देंगे। अब नीचे एक प्लेट रख लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक कटोरी। कटोरी के ऊपर ये छलनी रख देंगे। इस तरीके से रखने से इनको चारों ओर से हवा लगेगी। कितना अच्छा अंकुरण हुआ है। आमतौर पर ये 12 घंटे पे ही अंकुरण हो जाता है मोट का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो इसे हम डाल देते हैं उबलने के लिए कुकर में। एक कप पानी, आधा छोटी चम्मच नमक और चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला देते हैं। कुकर को बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक दाल को उबलने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और धीमी फ्लेम पर इसे 2 मिनट और उबलने देंगे। इसे हमने 2 मिनट कुक कर लिया, फ्लेम बंद कर देते हैं और प्रेशर ख़त्म होने का वेट करते हैं। जब तक कुकर का प्रेशर ख़त्म होगा तब तक मिसल के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमने पैन ले लिया, इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून ऑयल। मिसल बनाने में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। गरम तेल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने। फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि मसाले चले ना। आधा छोटी चम्मच जीरा, 1.5 डेढ़ छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये 10-12 करी पत्ता। एक छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसालों को हल्का सा भून लेते हैं और ये 2 मीडियम साइज के टमाटर एकदम बारीक काट कर ले लिए हैं। बीज हटा दिए हमने इसके। और ये एक छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच नमक हमने दाल के साथ डाल दिया था, या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। टमाटर को हमें बिल्कुल मैश होने तक कुक करना है, इसलिए नमक साथ में डाल दिया है। नमक साथ में डाल दें, टमाटर जल्दी कुक हो जाते हैं। आधी पिंच हींग, हींग अच्छी वैरायटी की हो तो कम ही डालें। इनको हम ढककर धीमी आग पर कुक कर लेते हैं। टमाटर को हमने 2 मिनट कुक कर लिया, इन्हें मैश करते हैं। तो अभी ये हल्के हल्के मैश हो रहे हैं, हमें इन्हें एकदम मैश होने तक कुक करना है। तो इनमें थोड़े से मसाले और डाल देते हैं। ये चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मिसल थोड़ा तीखा और रेड कलर का होता है, तो हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च और ये 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड नारियल। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मैश करते हुए कुक कर लेते हैं। टमाटर मैश हो गए हैं और मसाला भी अच्छे तरीके से भून गया है, अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से, ऑयल भी अलग हो रहा है। अब हम अपना कुकर खोल लेते हैं। और ये हमारी दाल भी अच्छी सी कुक होकर तैयार हो गई है। इसको भी हमें एकदम मैश नहीं करना होता, दाने दाने रहने चाहिए। तो देखिए कुक्ड है लेकिन सब दाने दाने अलग हैं। तो ये दाल को हम इस मसाले में डाल देंगे और इसमें पानी डालते हैं। मिसल में रसा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये 3 कप पानी डाल दिया हमने और ये 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला।
एक ये छोटी सी डेली गुड़ के लिए लगभग 1 चम्मच गुड़ होगा, इससे इसका तीखापन बैलेंस हो जाता है। और अब इसे ढककर 4-5 मिनट कुक करते हैं। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो एक बड़ी सी प्याज को बारीक काट लें और जीरा और सरसों भुनने के बाद में उस कटी हुई प्याज को डाल दें और हल्का ब्राउन होने तक भून लें। बाद में सारे मसाले इसी तरीके से डालते हुए मिसल बना लें। इसे हमने 4-5 मिनट तक उबाल लिया है, मिसल बन चुकी है, फ्लेम बंद कर देते हैं। ये हमने लिया है आधा नींबू, इसका रस निकाल कर डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। ये तीखा तीखा टेस्टी मिसल बनकर तैयार है। मिसल पाव को सर्व करते हैं और ये इसके ऊपर थोड़ा सा रसा। ये पाव, अपना मनपसंद सलाद, नींबू और ये हरे मिर्च, आप इसमें प्याज भी रख सकते हैं। इसके साथ में परोसी है फरसान, नमकीन, खारा बूंदी और ये बारीक वाले सेब। थोड़ा नमकीन हम इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी बूंदी और थोड़े से बारीक सेब और ये थोड़ा सा हरा धनिया। तो मिसल पाव खाने के लिए तैयार है। मिसल बहुत ही टेस्टी और तीखी बनी है, तो जब कभी आपको कुछ तीखा खाना खाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।